बैतूल के बगडोना में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र देशमुख ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस हत्याकांड से जिले में सनसनी फैल गई थी। मामले में अब कार्रवाई शुरू हुई है। रविंद्र ने आत्महत्या के पहले 6 पेज के लिखे सुसाइड नोट में आमला विधायक योगेश पडंगरे के विधायक प्रतिनिधि के साथ ही भाजपा नेताओं, ठेकेदार, व्यापारी और पत्रकारों के साथ 10 नाम लिखे थे। अब पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 10 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज कर ली है। भैया, मुझे ये 2 महीने पहले से, जब नसीम और उसकी वाइफ ने जो किया था 2 महीने पहले, एक वीडियो वायरल किया था इनको बदनाम करने के लिए, उस टाइम मैंने इनसे पूछा था कि ऐसा क्यों बोलते हैं, क्यों करते हैं। तो इनने बताया था कि भाजपा नेता रंजीत सिंह और प्रकाश सिवर है, ये करवाते हैं इन लोगों से। और उसमें एक अभिषेक साहू है और नसीम, उसकी वाइफ, इन लोग बहुत परेशान कर रहे थे, इन लोग ने पैसा भी लिया है। रविंद्र ने अपने सुसाइड नोट में रुपयों के लेन देन को लेकर खुद को प्रताड़ित करने की बात कही थी। आरोपियों पर रविंद्र ने लगभग 1 करोड़ से अधिक की राशि लेने का आरोप लगाया है। इसके बाद भी और पैसे की मांग की जा रही थी। रविंद्र के परिजनों का आरोप है कि विधायक प्रतिनिधि भाजपा नेता रणजीत सिंह लंबे समय से उन्हें परेशान करवा रहे थे। उनके खिलाफ कुछ खबरें भी छपवाई गई थी। अब उन्हें भी उन लोगों से खतरा है। घटना तो ये है, जग जाहिर है, मेरे भाई ने सुसाइड किया है। सुसाइड का कारण ये है कि लोग उसको, कुछ भाजपा के ही लोग थे, कुछ बाहरी पत्रकार था, कुछ व्यापारी थे, कुछ ठेकेदार थे, ये पैसे के लिए इनको उसको प्रताड़ित करते थे। पैसा दे, तेरा नाम छवि खराब कर देंगे, तेरे को ये नहीं बनने देंगे। वो मंडल अध्यक्ष के लिए उसका नाम आगे आ रहा था तो ये सब नहीं चाहते थे कि मंडल अध्यक्ष बने। पैसे की डिमांड करते थे, पैसे की अभिषेक के थ्रू, नसीम के थ्रू इनको भड़का के ये लोग, प्रकाश सिवरे, रंजीत सिंह, ये सब, प्रमोद गुप्ता, ये सब इनके भड़का के पेपर में छाप देंगे। सुसाइड नोट में जो उसने लिखा है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं, जो लिखा है ये उसको भड़काते थे। अभी परेशान रहता था, 1-2 महीने से परेशान रहना था, पहले भी था और अभी कुछ ज्यादा रहने लगा था, पर कभी शेयर नहीं किया उसने। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए भाजपा नेता रणजीत सिंह ने सुसाइड नोट को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आत्महत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल की जांच करने की मांग की है और पूरे मामले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। उन्होंने तो उनसे फोन पर बात करने की भी बात नकारी है। रविंद्र देशमुख के जो सुसाइड नोट है उसमें मैं इतना कहना चाहूंगा कि रविंद्र देशमुख से मेरी कोई जान पहचान भी नहीं थी और न ही मेरे 2 साल से उनसे कोई मेरी बातचीत हुई और न कभी मेरे कॉल डिटेल में आप निकाल सकते हैं, मेरे CBI निकाल के 2 साल की जाँच कर ले, चाहे रविंद्र देशमुख हो चाहे VC का जो इतना बड़ा रैकेट चल रहा था, न हमने कभी किसी पेपर में खबरें लगाई। लेकिन दुर्भावनावश किसी राजनीतिक से प्रेरित हम लोग को नाम इसमें डाला गया। पत्रकारों का काम होता है खबर छापना, लेकिन हमने फिर भी खबर नहीं छापा, ना उस हमारी कोई मुलाकात है। VC का जो बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था जिसकी जांच की मांग SP साहब से, HDP साहब से, TI साहब से कई दिनों से चल रहा था जिसकी जांच हुई, इसमें मैं यही मांग करता हूँ कि पिस्टल कहाँ से आई और पिस्टल किन लोगों ने। वही बैतूल पुलिस अधीक्षक के मुताबिक मामले की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की बात भी कही है। कि विदित है 3 दिवस पूर्व सारणी में रविंद्र देशमुख नामक युवक द्वारा सुसाइड कमिट किया गया था और उसमें प्राथमिक जांच के दौरान जो सुसाइड नोट मिला है उसमें उसके द्वारा 10 लोगों के द्वारा प्रताड़ित करने की बात बताई गई है और उसमें उसके सुसाइड नोट के आधार पर 10 लोगों के विरुद्ध प्रकरण भी कायम किया गया है। कुछ सर पता चला किस वजह से ये सुसाइड नोट में क्या चीज़ें हुई? जो मृतक ने अपने सुसाइड नोट में कारण बताए हैं उसमें पैसे के लेन देन को लेकर जो मुख्य बातें बताई हैं उसको लेकर प्रताड़ित करने के बारे में विस्तार पूर्वक बहुत सारी बातें की गई हैं और उसको संज्ञान में लिया गया है और उस पर अभी विवेचना भी जारी है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को सुबह बगडोना इलाके में रहने वाले भाजपा सारणी मंडल उपाध्यक्ष रविंद्र देशमुख की लाश बेडरूम में मिली थी जिससे इलाके में सनसनी फैल गई थी। लिहाजा रविंद्र की आत्महत्या से उसका परिवार पूरी तरह बिखर चुका है और परिजन सदमे में है। पंजाब केसरी TV के लिए बैतूल से विनोद पात्रिया की रिपोर्ट।